अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान पर आपके लीडर बैट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से, और आप देख रहे हैं हमारा फिजिकल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे डोलची मार रेट इंक्रीज फ्राम 17 सितंबर, मीन 17 सितंबर से इसके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डोलची मार की लोकेशन बयान करना चाहूँगा उन व्यूअर के लिए जो हमारे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो डोलची मार की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जैसे भी हम मेन जना के ऊपर ट्रैवल करते हुए आते हैं, तकरीबन कोई जो इसका ड्राइव का है फासला है मेन गेट से तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। और जो इसका प्लाट है वो लेगेसी कमर्शियल 2 का प्लाट, 18 लाख 70 हज़ार का प्लाट है। और इसकी मजीद मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो इसके सराउंडिंग में हमें इम्तियाज़ मेगा मॉल, AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार, डोमिनियन ट्विन टावर, डोमिनियन मॉल, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जिन्होंने इसके अंदर अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, और हमारे वो व्यूअर जो ये वेट कर रहे थे कि जब इसके रेट्स रिवाइज होंगे तो तब हम जाके इसके अंदर अपनी उसी मौके पे बुकिंग करवाएंगे। तो अभी इसके रेट्स वो रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके बिल्डिंग की अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ तो ये तकरीबन कोई इसके नीचे डबल बेसमेंट दी गई है जो कि कार पार्किंग के लिए है, जिसके अंदर 900 कार की कैपेसिटी है। इस तरह इसका लोअर ग्राउंड आ जाता है, फिर इसका ग्राउंड फ्लोर, फिर इसका फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर इसका थर्ड फ्लोर आ जाता है। और अगर मैं इसके लोअर ग्राउंड की बात करूं तो इसके लोअर ग्राउंड का तकरीबन जो रेट्स रखा गया है वो 24,500 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा गया है। और इस तरह जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का जो इनका रेट्स है आउटर का 39,000 और जो इनर का है वो 37,000 पर स्क्वायर फीट रखा गया है। और जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उसका जो रेट है वो 20,500 पर स्क्वायर फीट, और जो इनका सेकंड फ्लोर पे रेट रखा गया है वो 18,500 पर स्क्वायर फीट रखा गया है। और इस तरह इसका जो थर्ड फ्लोर है वो इन्होंने फूड कोर्ट लॉन्च किया है, तो उसके अंदर इन्होंने 4 किस्में दी हुई हैं। इसके अंदर फूड आउटलेट हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े ब्रांड्स लेके आ सकते हैं। तो उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 600-770 स्क्वायर फीट से लेकर तकरीबन कोई 1700-1800 स्क्वायर फीट तक जा रहे हैं। उनका जो इन्होंने रेट रखा गया है वो आउटर भी है और आउटलेट भी है, उनका 30,000 रुपये पर स्क्वायर रखा गया है। और जो फाइन डाइनिंग इनकी शॉप्स हैं जिनके सामने सिटिंग एरिया बनाया गया है और बैठने की जगह बनाई गई है, तो उनका जो रेट है वो 25,000 रुपये पर स्क्वायर रखा गया है। और जो इन्होंने फ्रंट की शॉप दी जिनके सामने भी सिटिंग एरिया इन्होंने बनाए हुए हैं वो भी 25,000 पर स्क्वायर फीट। और जो इसके रिमेनिंग शॉप बचती हैं जिसके ज़रिए आप आएँगे टेक अवे लेके जाएँगे, वहाँ पर बैठ कर खाने की आपको ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ उन्होंने सेटिंग नहीं बनाई हुई, उसका जो रेट रखा गया है वो 23,000 पर स्क्वायर फीट रखा गया है। तो इस तरह जो इसके ऊपर फिर आ जाता है, इसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, कम्युनिटीज़ आ जाते हैं, मस्जिद आ जाती है, स्विमिंग पूल वगैरह आ जाता है। इसके ऊपर इन्होंने अपने 5 टावर डुप्लेक्स के लॉन्च करने हैं, वो अभी तक इन्होंने किए हैं, क्योंकि बिल्डर कह रहे हैं मैं पहले ये मॉल बना के और इंशाल्लाह उसका एक टावर बना दूँगा जो कि मॉडल के तौर पर होगा, उसके बाद जाके मैं इसको लॉन्च करूँगा। तो अब अगर मैं थोड़ा सा बिल्डर की बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बिल्डर का पूछा जाता है बार बार हमसे बिल्डर कैसा है, तो बिल्डर के कैपेबिलिटी ये है, ये तकरीबन कोई अपना 30 साल दुबई के अंदर काम करते रहे हैं, तो वहाँ से अब ये आए हैं बैरिया के अंदर। तो बैरिया में आए हुए भी तकरीबन इनको 5 से 6 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने मुख्य बिल्डर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाए, लेकिन फ्रंट फुट पर खेलते हुए ये इनका पहला प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट की मैं आपको खसूसियात बता चलूँ तो बैरिया के अंदर जो भी माल लॉन्च हुए हैं वो टोटल सेंट्रल एयर कंडीशनर नहीं थे, उसके अंदर अगर कार पार्किंग थी तो उन्हें पेड करनी पड़ रही थी, लेकिन ऐसे बिल्डर ने हमसे कोई भी कार पार्किंग के चार्जेस वसूल नहीं किए, तो और टोटल सेंट्रल एयर कंडीशनर ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की मजीद में अगर आपको खसूसियात बता चलूँ तो तकरीबन इसके अंदर जो वाइड पैकेज दिए गए हैं 12 फीट से लेकर 30 फीट तक के बहुत ही बड़े बड़े वाइड पैसे दिए गए हैं जो कि अभी तक किसी और माल में किसी भी बिल्डर ने नहीं दिए, ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर आपके कॉर्नर की भी शॉप लेते हैं तो क्योंकि इसके अंदर काफ़ी शॉप जो कि 3 साइड ओपन हो रही हैं, कई कॉर्नर की शॉप बन रही हैं, उसके भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है, वही सेम रेट आपके पे कर रहे हैं जो दूसरी शॉप का आप पे कर रहे हैं। तो मज़ीद आपकी इसके मतलब कोई भी क्वेरीज है, और मैं थोड़ा और बता चलूँगा आपको इसकी जो डिगिंग का काम जितना बिल्डर ने कहा था इंशाल्लाह हम अगस्त के लास्ट में कर देंगे, तो फिर बारिशों में थोड़ा डिले हो गया तो ये डिगिंग नहीं कर पाए, तो अब इनकी प्रॉपर आप आके इनकी साइड लोकेशन पे विजिट भी कर सकते हैं और माशाल्लाह इसका डिगिंग का काम हो रहा है।
और अगर हमारा कोई भी वैसे अंदर बुकिंग करवाना चाहता है तो उसका पेमेंट प्लान कुछ इस तरह से होगा, 25% आपको इसके अंदर डाउन पेमेंट देनी होगी, 10% आपको देना होगा डिगिंग के ऊपर, क्योंकि डिगिंग आप इसकी हो रही है तो हमें तकरीबन कोई 35% इसका देना होगा। तो अगर आप कोई डिगिंग के अमाउंट में टाइम लेना भी चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह बिल्डर के साथ बैठ के बातचीत की जा सकती है। और जो इसका 5% रखा गया है वो पोजेशन के ऊपर रखा गया है, और रिमेनिंग जो इसका होगा वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, 48 मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो वो भी बन जाएंगी, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह इसकी बिल्डर के मैंने आपको बता दिया और इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी। मज़ीद अगर आप इसके अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं या आपकी इसके मतलब कोई भी क्यूरीज है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देख रही है हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।